सब कुछ है यीशु की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। आज परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिया है, उसने अपनी रूह का ताजा मसा आज हमें प्रदान किया है। इसलिए ये निहायत ही जरूरी है कि हम उस परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। बीती रात उसने हमें संभाला, दूतों का संरक्षण उसने हमें प्रदान किया, हमारे घरों की चार दीवारी को उसने सुरक्षित रखा। प्रभु कहता है तुम्हारे घर की चार दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने रहती हैं। यह सुंदर समय है, इसलिए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अच्छी चीजें देता है, वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें मुहैया कराता है, मांगने वालों को खाली हाथ कभी नहीं भेजता है। कृतज्ञ हृदयों के लिए ये शोभन है कि वे प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें और उसकी महिमा गाएं। इसलिए प्रभु से कहना, आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अगर कोई बीमार है तो प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे शरीर का स्वास्थ्य प्रदान कर। अगर कोई निराश है, हृदय से टूटा हुआ है, तो प्रभु की सांत्वना की प्रतीक्षा करना। अगर कोई दुष्ट आत्माओं से पीड़ित है, तो पवित्र आत्मा आप लोगों को इस वक्त स्तुति आराधना के और वचन की घोषणा के माध्यम से आपको आजाद करे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें। प्रातः की यह बेला हमारी स्तुति और वंदना प्रभु को पसंद आए। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आनंद मनाते हैं, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, ताली बजाते हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना, कोई भी मलाल हो, कोई परमेश्वर की स्तुति करते जाते हैं।
पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं मिले या खुशी तेरी जय जय करूं तेरी पूजा करूं तेरी प्रस्तुति करूं दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं सास तेरे बपाला स्वभाव हो सास तेरे बपाला हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो मांगने वालों को ईश्वर आत्मा क्यों ना देगा हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद हालेलुया उपदेशक ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 29 प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने सब मनुष्यों को एक अच्छा और सिद्ध व्यक्ति बनाया हालेलुया पर कुछ समय के बाद सब पीढ़ियां समाप्त हो गईं तो वे बुरे बनते गए हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो प्रभु का वचन कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा हालेलुया प्रियजनों प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देता है हमें उत्तम गेहूं से खिलाता है बाइबल हमें बताती है आज का ये सुंदर दिन आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु ने जोड़ दिया है इसलिए मेरा और आपका कर्तव्य है कि इस दिन को हम प्रभु की महिमा के लिए जिएं हमारे सब काम उसकी महिमा के लिए हों हमारी बोल चाल हमारा उठना बैठना प्रभु को पसंद आए और हम आज के इस दिन में हम नित्य प्रतिदिन उसकी स्तुति करते जाएं और उसका धन्यवाद करते जाएं क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है स्तोत्रकार कहता है अध्याय 34 पद संख्या 10 में कि जो उसे प्यार करते हैं वह उन्हें अच्छी चीजें देता है और वह अच्छी चीजों का दाता है वह आपको अच्छी चीजें देता है क्योंकि उसकी भलाई इतनी ज्यादा है प्यारे भाइयों और बहनों कि वह बुरी वस्तुओं को भी अच्छा बना देती है बोले आमेन हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे नित्य प्रतिदिन अच्छी चीजें देते हैं और मेरे कल्याण की बातें सोचते हैं मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन जोड़ दिया हालेलुया परिजनों कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर अपनी प्रजा को अपने बच्चों को अच्छी चीजें देता है जिन्हें वो प्यार करता है उन्हें वो अच्छी चीजें देता है इतना ही नहीं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है तो उसके जीवन में कितने ही श्राप और बुराई क्यों ना हो
जिनको वो आशीष देता है, उसकी आशीष और उसके वचन के द्वारा श्राप भी आशीर्वाद में बदल जाते हैं। ये आज का संदेश है प्यारे भाइयों और बहनों। आप लोग जो इस वक्त हमारे साथ ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं और इसके बाद आप काम पर जाने वाले हैं, ये हौसला आपके मन में बना रहे। पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करे, आपकी अगुवाई करे। प्रातः की बेला में प्यारे भाइयों और बहनों एक एक व्यक्ति नतमस्तक होकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करे। मम्मी पापा, बुजुर्ग, बच्चे, सब लोग घर में वेदी के सामने उपस्थित होकर परमेश्वर की रूह का ताजा मसा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये स्तुति आराधना के द्वारा आपके परिवार से बंधन टूटेगा, आपके जीवन में शांति आएगी, आपकी हड्डियों को आराम मिलेगा और आपके सभी टूटे हुए काम प्रभु आज पूरे करेगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मेरी दुआ, पर मुझ पे फजल तू,
से मुझको सदा दुआ की स्तुति हो यीशु की स्तुति यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद यीशु की आराधना हो यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद। भजन संहिता 148 मेरे पीछे दोहराइएगा हालेलुया स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो हालेलुया स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो आकाश में प्रभु की स्तुति करो आकाश में प्रभु की स्तुति करो प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो जगमगाते तारा मंडल उसकी स्तुति करो सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो वे प्रभु के नाम की स्तुति करें वे प्रभु के नाम की स्तुति करें क्योंकि उसके आदेश देते ही क्योंकि उसके आदेश देते ही उनकी सृष्टि हुई है उनकी सृष्टि हुई है उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया उसने उन्हें सदा सर्वदा के लिए स्थापित किया उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है उसके ठहराए नियम अपरिवर्तनीय है मगरमच्छों और समस्त गहराइयों मगरमच्छों और समस्त गहराइयों पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति करो आग और ओले बर्फ और कोहरे प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों प्रभु की आज्ञा मानने वाली आंधियों पर्वतों और सब पहाड़ियों पर्वतों और सब पहाड़ियों फलदार वृक्षों और देवदारों फलदार वृक्षों और देवदारों बनेले और पालतू पशुओं रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों रेंगने वाले सर्पों और उड़ने वाले पक्षियों प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों पृथ्वी के राजाओं और समस्त राष्ट्रों पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों पृथ्वी के क्षत्रपों और सभी शासकों नवयुवकों और नवयुवतियों नवयुवकों और नवयुवतियों वृद्धों और बालकों वृद्धों और बालकों प्रभु की स्तुति करो प्रभु की स्तुति करो वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें क्योंकि उसी का नाम महान है क्योंकि उसी का नाम महान है उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश से परे है उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है उसने अपनी प्रजा को बल प्रदान किया है उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान उसके सभी भक्त इज़राइल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा सबके सब प्रभु की स्तुति करें सबके सब प्रभु की स्तुति करें हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया यीशु की स्तुति हो यीशु को धन्यवाद यीशु को धन्यवाद प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है योहन का पहला पत्र अध्याय चार पद संख्या आठ परमेश्वर प्रेम है वह आपसे प्यार करता है आप जो कुछ भी मांगेंगे वह आपको प्रदान करेगा हालेलुया अफेसियों का पत्र अध्याय चार पद संख्या छः प्रभु का वचन कहता है केवल एक परमेश्वर है वह सबका पिता है वह प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करता है आमेन हालेलुया आइए प्रभु यीशु मेरे परिवार में मेरे बच्चों के जीवन में मेरे कामकाज में अधिकार लीजिए हालेलुया मैं आपकी आराधना करता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ हालेलुया समर्पित हो जाएं प्यारे भाइयों और बहनों अपनी योजना को अपने कामकाज को हो सकता है आप में से आज बहुत सारे लोग निराश हो सकता है आपके जीवन में दुख हो कष्ट हो प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन हमें बताता है इब्रानियों के पत्र अध्याय चार में हम पढ़ते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जिससे कि हमें दया मिले और वो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी प्रातः की यह बेला प्यारे भाइयों और बहनों ये सुंदर समय है ये अमृत वेला है प्रभु की स्तुति आराधना करने का इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना करने का वो परमेश्वर जो हमें हर चीजें मुहैया कराता है आज वो आपके दुखों को दूर करे आप में से हर एक व्यक्ति को आशीष प्रदान करे इसलिए मांगने में बिल्कुल भी लज्जा महसूस न करें और धन्यवाद देते समय संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देना प्यारे भाइयों और बहनों क्योंकि परमेश्वर हमारी समस्याओं से बड़ा है परमेश्वर हमारी हर चीज को प्यारे भाइयों और बहनों हमें प्रदान करता है वो भला है और वो अच्छा है मेरी यही दुआ है यही प्रार्थना है कि आज परमेश्वर इस बंदगी के द्वारा स्तुति आराधना के द्वारा आप को अपनी आशीषों से भरपूर करें तुझे धन्यवाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी एक साथ मिलकर तुझे धन्यवाद प्रभु जी जीवन के वरदान के लिए तेरी आराधना प्रभु जी तेरी आराधना प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी तू महान है प्रभु जी तू महान है प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी
भी लोग मेरे साथ इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, यदि घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, सिरों को झुकाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में आप लोगों को आशीष और चंगाई और रूह का मसा प्रदान करें, आपके परिवार में, आपके खेत खलियानों में, आपके दफ्तरों में, आपकी संस्थाओं में परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, हमारी स्तुति वंदना तुझे पसंद आए, तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू जो बेशकीमती है, तेरे इन बच्चों पर और इन परिवारों पर छिड़क देता हूं। इस पवित्र लहू के द्वारा इनके जीवन में शांति और चंगाई प्रदान कर। तू भला है, तू अच्छी चीजें देता है, मांगने वालों को अच्छी चीजें प्रदान करता, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हे प्रभु यीशु, आज तूने हमें सही सलामत रखा, जिंदगी का वरदान दिया है, तेरे वचन जो आत्मा और जीवन है हमारी अगुवाई की है। हे प्रभु, हमारे जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन करने की कृपा कर। जो बीमार हैं इन पर दया कर, जो निराश हैं, जो हृदय से टूटे हुए हैं, मन से उदास हैं, इनकी हौसला अफजाई कर। इनकी हड्डियों की मज्जा तक में तेरा पवित्र लहू बह जाए, इनके हृदयों मनो आत्माओं को प्रभु शांति प्रदान कर, तेरा वचन इनके जीवन में इनके परिवारों में पूरा हो जाए। और आज के इस पवित्र दिन में तेरे स्वर्गदूत इन्हें संरक्षण प्रदान करे। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, यादगार जो तेरे पास आया तूने खाली हाथ नहीं लौटाया, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव दिए, मुर्दों को जिलाया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु आज तेरे इन बच्चों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है, इन्हें चंगा करने की कृपा कर। हमारे घर परिवार सदा तेरी छत्र छाया में रहे, तेरा स्वर्गदूत इन घरों में प्रभु डेरा डाले, दुखियों को दिलासा प्रदान कर, उनके घावों पर पट्टी बांध दे और अपना वचन इनके जीवन में पूरा हो जाने दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के द्वारा। आ